कन्नौज में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही सभी साथी शिक्षक मौके पर पहुंचे, जहां फांसी पर लटके हुए शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें अधिकारियों पर अतिरिक्त ड्यूटी दिए जाने की प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। उसमें साफ लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार शिक्षा विभाग ही है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। शिक्षक की इस मौत से आक्रोशित सभी शिक्षक शिक्षा विभाग पर रोष प्रकट कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय कसियापुर चिबरामऊ के शिक्षा मित्र पवन कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। मौके पर सूचना के बाद सभी शिक्षा मित्र पहुंचे, शव को सौशैया अस्पताल चिबरामऊ में भेजा गया है। सुसाइड नोट के अलावा भी कुछ और मृतक के दस्तावेजों का जिक्र किया गया है, जिसमें भी जानकारी से यह साफ हो रहा है कि मृतक शिक्षक अपनी इस नौकरी से काफी परेशान था, जिससे वह नौकरी से तंग आकर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। बीएलओ ड्यूटी में गैर हाजिर होने पर उसके वेतन काटे जाने की कार्यवाही पर भी उसने अपने उच्चाधिकारियों से बीआरसी की शिकायत भी की थी। इसके बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी और विभाग द्वारा उल्टा उसे ही टॉर्चर कर परेशान किया जा रहा था। इंडिया टॉप न्यूज से ब्यूरो चीफ ज्ञानेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। मैंने कहा बीएलओ ड्यूटी उनकी लगाई गई थी गलत तरीके से, ड्यूटी थी कुंवर बहादुर की, लेकिन यहाँ बीआरसी के इन लोगों ने कुंवर बहादुर का नाम काट के उनकी पवन कुमार ड्यूटी लगा दी, उसके ऊपर कार्रवाई भी कर दी, इसी वजह से परेशान रहता था ज्यादातर। इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारी पवन ने जो है एक लेटर बीसी साहब को भी दिया, एक डीएम साहब के लिए भी भेजा था उसने, लेकिन उससे कोई कार्रवाई हुई नहीं उसकी। मेरे साथ में तो मेरे भाई के साथ में मेरे भाई की जबरदस्ती बीएलओ में लगाई जा रही थी और उनका बीएलओ में नाम नहीं था, लेकिन उनको जबरन उन पर उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और पैसे मांगे जा रहे थे उनसे। कितने पैसे मांगे? अगर 3,000 रुपये दे दो उसमें एनपीआरसी प्रभात कुमार मिश्रा जी, बीआरसी शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र मिश्रा और खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दुबे, इन लोगों द्वारा बार बार मेरे भाई को प्रताड़ित किया जा रहा था। कहाँ तैनात थे आपके भाई? मेरे भाई प्राइमरी विद्यालय कसियानंदपुर में तैनात थे। प्रताड़ित क्यों किया जा रहा था? बीएलओ की ड्यूटी को लेकर, जबकि उनका नाम नहीं था, जबकि मतलब बीएलओ को ड्यूटी में उनका नाम नहीं था और इन मतलब तीनों अधिकारियों द्वारा बार बार उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि अगर आप ड्यूटी नहीं करते हो तो जो आपका ये शिक्षा मित्र पद है इस पे आपको हटा दिया जाएगा। तो ये इन कारणों के लेकर मेरा भाई जो है वो अवसाद में आके उसने सुसाइड की और उस सुसाइड उनके पास मतलब साइन नोट भी बरामद हुआ है। उसमें क्या लिखा है? उसमें यही लिखा हुआ है कि मेरा किसी मतलब घर में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और मैं अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से तंग हो चुका था और मृतक का जिम्मेदार हमारे यही तीनों अधिकारी हैं जो हमें बार बार बीएलओ की ड्यूटी के लिए प्रताड़ित करते थे और पैसे मांगते थे। क्या वो सुसाइड नोट आपके पास अभी है? सुसाइड नोट पुलिस के पास है। पुलिस के? हाँ। नाम हमारा सौरभ यादव है और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद कन्नौज का जिला अध्यक्ष हूँ। और जो पवन जी हैं जिन्होंने फांसी लगाई है, सुसाइड किया है, ये हमारे साथ के थे, हमारे बैच के थे, हम लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी और बड़े ही संघर्षी थे। और जब से 2015 में हम लोगों का समायोजन हुआ था शिक्षा मित्र पद से सहायक अध्यापक मुझे बनाया गया था, किन्हीं कारणों बस हमारा समायोजन निरस्त कर दिया गया, जिससे हम सारे लोग दुखी थे। उसमें बाद में वर्तमान सरकार द्वारा एक संशोधन किया गया कि आप लोग जो है कि आप टीटी पास करें, टीटी पास करने के बाद आप खुली भर्ती में, हम लोग उसके लिए भी तैयार थे और हमारा अभी भर्ती थी, हमारे कुछ साथी उसमें गए भी, प्रतिभाग भी किया, उनका हो भी गया। पवन जी की समस्या ये थी, ये प्राथमिक विद्यालय कसियानंदपुर में कार्यरत थे और उनका समायोजन जलालाबाद ब्लॉक में हुआ था। जब हमारा समायोजन निरस्त हुआ
उसके बाद पुनः पवन जी प्राथमिक विद्यालय कसिया नंदपुर में शिक्षा मित्र के पद पर इन्होंने कार्ड वैर ग्रहण किया। उसके बाद एक हमारे दूसरे अपने ही साथी की वहाँ पर बीएलओ में ड्यूटी लगी हुई थी, वो काफ़ी समय से ड्यूटी कर भी रहा था, लेकिन कुछ अधिकारियों के मिली भगत एनपीआरसी से लेकर बीआरसी खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए तक उस ड्यूटी को, वहाँ बीएलओ बूथ था, इसको कोई सूचना नहीं दी गई कि तुम्हारी ड्यूटी है या नहीं है, डायरेक्ट इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। किस तरह की कार्रवाई की गई? वेतन रोकने संबंधी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, इसने फोन द्वारा मुझे अवगत कराया, तो मैंने उससे यही कहा, हमने कहा दूसरा साथी भी तुम्हारा है और ऐसा करो आपस में अपना कॉम्बिनेशन कर लो। बोला भैया हमें टीटी की परीक्षा देनी है, टीटी का 18 तारीख को पेपर है, हमें उसकी तैयारी कर रही है और खंड शिक्षा अधिकारी और एनपीआरसी और बीआरसी ये तीनों लोग मुझे फ़ोन कर करके परेशान किए हैं कि ड्यूटी आप करो आके, और तुम्हारी ड्यूटी जिसने कटवाई है ड्यूटी और तुम्हारी लगी है उसने 2000 रुपया मुझे दिया है, अगर तुम मुझे 3000 रुपया दे दोगे तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं लगेगी। ये किसने कहा? ये जो सुसाइड नोट में हमने भी पढ़ा है, सारे लोगों ने पढ़ा है, उसकी जेब से निकला हुआ है। ठीक है, तीनों लोग इसमें मिले हुए हैं, कोई बात नहीं, ये हमसे बात हुई इसकी, हमने कहा ऐसा करो आप चले जाओ डीएम साहब को, बीएसए मैडम को शिकायत कर दो जाके। बीएसए मैडम को उसने लिखित दिया, जो भी इससे पैसे की डिमांड की गई वो पैसे की भी डिमांड, लेकिन बीएसए महोदया द्वारा किसी प्रकार कोई मैटर संज्ञान में नहीं लिया गया। कल भी मेरे पास उसकी कॉल आ रही थी, लेकिन कल मैं कहीं बिजी था, मैं नहीं रिसीव कर सका, जिसका मुझे आज बहुत कष्ट है। और हमारा संगठन ये मांग करता है कि जो भी इसमें दोषी हैं, जो सुसाइड नोट में जो नाम दिए गए हैं, इनके खिलाफ तत्काल मुकदमा कायम कर इनको जेल भेजा जाए। दूसरी बात, माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सख्त निर्देश हैं, किसी भी शिक्षक शिक्षा मित्र को आप बीएलओ की ड्यूटी या किसी प्रकार का कोई अन्य कार्य नहीं लेंगे। फिर भी अधिकारी अपने लोकल स्तर पर दबाव बना के कार्य करते हैं और हम लोग क्योंकि उनके शिकार हो चुके हैं, उनके लगातार शिकार होते चले आ रहे हैं। हमारी मांग है, संगठन की मांग है, कम से कम इनको 50 लाख रुपया इनके परिवार को मुआवजा कराया जाए। इनके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप इनके बहुत ही बुजुर्ग हैं।